देखिए पीड़ित परिवार, 3 हफ्ते से ज्यादा का समय हो गया और अभी तक सभी लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई। मेरी पीड़ित परिवार से बात हुई, उनकी एक ही मांग है कि इस पूरी घटना को अंजाम देने वाले जो मुख्य लोग हैं, जिन्होंने इसका संरक्षण किया, जिनके जानकारी में सब हुआ, जिन्होंने आरोपियों को बल दिया इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने का, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और उन पर सबसे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। परिवार और कुछ नहीं चाहता, सिर्फ न्याय चाहता है और मैं चाहता हूँ और हमारे पूरे क्षेत्र की इसकी, क्योंकि मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, ये मेरा घर भी है हरिद्वार। हमारी ये मांग है कि किसी भी कीमत पे बहन बेटियों के साथ जुर्म ज्यादती बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसा अपराध करने वाले और उनको सह देने वाले हर व्यक्ति पे, चाहे वो सत्ता का व्यक्ति हो, चाहे वो विपक्ष का हो, कोई भी हो, कितने बड़े ताकतवर हो, उसको बचाने का प्रयास शासन और प्रशासन ना करे। मैं समझता हूँ जिस तरह की चीजें मुझे बताई गई है, मैं किसी निर्दोष को सजा के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन दोषियों को बचाने के लिए अगर नेता, सत्ता में बैठे नेता अगर अपना योगदान देंगे तो उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि परिवार उनके भी है, बच्चे उनके घरों में भी है, जिसका जाता उसे तकलीफ होती है। ये बहुत घटना जो है ये डरावनी घटना है और उत्तराखंड पुलिस के इकबाल पे बहुत बड़ा सवाल है। यहाँ के SSP, मैं उनसे पहले से परिचित हूँ, जब हम यहाँ काम करते थे तो वो यहाँ के SP सिटी थे देहात, और अब वो यहाँ SSP बन के जिले को चला रहे हैं। मुझे उनके ऊपर भरोसा है कि उनके नेतृत्व में कठोर कार्रवाई होगी और कोई दोषी नहीं बचेगा। अभी मेरी उनसे बात हुई है, उन्होंने एक बिटिया जो इस घटना में जिनको दोषी को इन्वॉल्व किया गया है, जिन पर शक है, जिनका इस पूरी घटना जोड़ा गया, उनके लिए कहा है कि वो बिटिया है, हम चाहते हैं उसमें जांच है। मैं उस पर सहमत हूँ, मैं नहीं चाहता किसी बच्चे के साथ कोई इस तरह का वो घटना हो, उसकी जान, उसकी पूर्ण जांच हो जाए। लेकिन मुख्यमंत्री जी का 2 दिन पहले का एक बयान है, SC ST एक्ट में जितने भी मुकदमे हैं और जितने भी उसमें आरोपी, पहले तत्कालिक उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। जिस तरह से वो ताकतवर लोग बाहर रह के इस परिवार को डराने काम कर रहे हैं और बच्चियों में और पूरे दलित समाज में क्षेत्र के डर का माहौल है, जिस तरह से वो जो है इनको प्रलोभन और न्याय को प्रभावित करने का काम कर रहे हैं, ये सब अगर उत्तराखंड पुलिस की नाक के नीचे हो रहा है तो ये बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है, कहीं ना कहीं संरक्षण सत्ता का अपराधियों को है। मैं मुख्यमंत्री से मांग करता हूँ, मैं यहाँ के सीनियर अधिकारियों से मांग करता हूँ कि अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें। और मुझे आशा थी कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री अभी यहाँ मंगलौर में चुनाव था, यहाँ आए थे, मुझे आशा थी कि वो यहाँ आके इस परिवार का दुख बांटेंगे, लेकिन जैसा मैंने कहा, जाति कभी नहीं जाती, क्योंकि ये बच्ची दलित समाज की है, शायद उनको इनके परिवार के पास आने का समय नहीं मिला। चुनाव में उनके लोग बहुत घूमे वोट मांगने के लिए, यही सच है और इसे हमारे लोगों को भी समझना चाहिए। जब तक वो अपने दलों से जुड़ के अपनी ताकत नहीं बनाएंगे, तब तक ये जुल्म उन पे होते रहेंगे। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इस घटना को हम प्रथम और आखिरी घटना समझ के इस पर मजबूत लड़ाई लड़ेंगे और आने वाले 3-4 दिन के बाद ही अगर कार्रवाई नहीं हुई तो एक बहुत बड़ा आंदोलन जिलाधिकारी कार्यालय पर होगा। उसके लिए हम लोग अपनी भूमिका अपने लीडरशिप से बात करके बना दें। हम ये चाहते हैं, हम किसी भी तरह का कोई आंदोलन नहीं करेंगे अगर पुलिस अपनी कार्रवाई को जिम्मेदारी से करेगी, आरोपियों को बचाने काम नहीं करेगी। मैं यहाँ पिछले आधे घंटे से बैठा हूँ और अधिकारी यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं उनको पता है कि जब सवाल जवाब पूछे जाएंगे तो वो जवाब नहीं दे पाएंगे। जिन अधिकारी की जिम्मेदारी, वो यहाँ से गायब क्यों है, वो इसलिए गायब है क्योंकि उनको पता है कि वो अपनी ड्यूटी से धोखा कर रहे हैं, अपने कर्तव्य धोखा कर रहे हैं, इसलिए वो यहाँ से गायब है। इसलिए ये सवाल भी मैं छोड़ता हूँ कि वो ऐसे अधिकारियों को क्या कुर्सी पे बने रहने का अधिकार है, जिन अधिकारियों के नेतृत्व में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही है, जिस SHO जिस CO के नेतृत्व में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही है और आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, उसको कैसे चार्ज दिया गया ऐसे लोगों को, तो ये बात इस बात को स्पष्ट करती है कि कहीं ना कहीं दबाव है। इस दबाव के कारण किसी बेटी को न्याय न मिले, ऐसा देवभूमि में नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा विश्वास। मुझे उम्मीद है मुख्यमंत्री भी इस घटना का संज्ञान लेंगे और जो आरोपी फरार है पुलिस उनको जल्दी गिरफ्तार भी करेगी, ऐसा मेरा विश्वास। की आर्थिक मदद की ये सरकार का काम है, अगर हर चीज के लिए मांग करनी पड़ी तो जब वो जनता से वोट मांगने आते तब उनको शर्म क्यों नहीं आती, ये तो उनको खुद देखना चाहिए कि वो माँ के लिए किस तरह मजदूरी करके अपना पेट पाल रही है। सरकार की जो योजना है जिन पे अपनी पीठ थपथपाती है वो जमीन पे है भी या नहीं, इसका जवाब भी सरकार को देना चाहिए। संसद में बड़ी बेबाकी से आप अपनी बात रखते हैं क्या, वहाँ भी अगर लापरवाही हुई तो सेशन आ रहा है, बजट सेशन, मैं कोशिश पुरजोर कोशिश करूंगा कि इतनी जो विभत्स घटना घटी है और जिन जिस तरह से अधिकारियों ने इस पे लापरवाही बरती है, इसको मैं पुरजोर तरीके से पार्लियामेंट में उठाऊं और इन अधिकारियों को वहीं पार्लियामेंट में ही अध्यक्ष जी से कह के बुलवा के इनके इनसे सवाल जवाब हो, इनसे पूछा जाए कि ये आपको पर्याप्त तनख्वाह मिल रही है, पर्याप्त सुविधा हो रही है, फिर भी
न्याय क्यों नहीं कर रहे हो, फिर भी आरोपियों का संरक्षण हो रहा है, फिर उसमें कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे, इसका जवाब इनको देना पड़ेगा।